आज हम दो बर्ड्स ड्रॉ करते हैं एक ब्रांच पे बैठे हुए। ऐसे सर्कल ड्रॉ करना, ओवल ड्रॉ करना, डबल इस तरह से। इसके बाद इसको डबल करना है यहाँ से, इसके ऊपर भी लाइंस ऐसे। डबल बना देनी है। ये जो सर्कल का कर्व है इसके नीचे यहाँ पे ऐसे ज़िगज़ैग लाइन बनानी है हाफ। इसको इसी के साथ कंटिन्यू ऐसे एक शेप बनानी है, अंदर भी ऐसे। यहाँ पे इसकी बीक बनानी है ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसकी आई बनानी है, यहाँ पे ऐसे कम खत्म हाफ डिवाइड कर देना है। अब इसके यहाँ पर एक सर्कल बनाना है बीक के नीचे, जिसके बीक यहाँ पे ऐसे बनानी है, यहाँ पे ऐसे स्लांटिंग सेमी सर्कल बनाना है। इस तरह से ये सेमी सर्कल हमने कंप्लीट करना है। थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर एक और शेप बनानी है यहाँ से डायगनली थोड़ा सा नीचे जाके। ऐसे ड्राइंग करनी है। उसके बाद जो लाइंस हमें इरेज करनी है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये एक लाइन इरेज करनी है, ये लाइन इरेज करनी है, ऐसे ये एक लाइन इरेज करनी है, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इस तरह से पैटर्न बना देंगे। ऐसे यहां से इसको टर्न, और यहां पर ये बड़े बड़े कर्व्स बनेंगे जैसे इसका ये बेस है ऐसे ही, और यहां पर छोटे छोटे बना देते हैं। इस तरह से जैसे इसमें हमने लाइंस बनाई थी इसमें भी बना देते हैं, बट इनको हम इरेज कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे हम डबल कर देते हैं लाइन को,
हम क्या करेंगे बीक से वाला कर्व है बीक का जो कर्व है इधर से इसको हम इसे ज्वाइन कर देंगे और ये टर्न भी थोड़ा सा स्मूथ कर्व कर देंगे ऐसा बाद में इसे हम इरेज कर देंगे ताकि ये बर्ड की नेक लगे अब इसके बाद यहां पर हमें जो लीव्स बनानी है ऐसे कुछ नेचुरल सा शेप बनानी है इस तरह से इधर भी ऐसे ऐसे अब इसके अंदर भी हम लाइंस बना देते हैं और डिटेल निकालने के लिए ऐसे इस तरह से अब डार्क पेंसिल लेते हैं यहां पर भी यहां पर आई किधर है अब हम यहां पर ऐसे कहीं कहीं पर छोड़ते हुए गैप और ऐसे इसको फिल कर रहे हैं ताकि वुड का एक इफेक्ट लगे यहां पे हल्का उसी डायरेक्शन में शेड करेंगे ऐसे यहां पर भी इस तरह से इसको डार्क कर देते हैं ये इसके पैरेलल तो नजर नहीं आएगा अब ईयरबड लेना चाहते हो या कॉटन लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है या स्मजिंग टूल के साथ ये हमारे पास स्मजिंग टूल्स भी हैं यहीं से हमने शेड उठाया और इसके अंदर शेड कर दिया ऐसे उसके बाद यहां पे कर दिया ऐसे इधर और डार्क कर दिया इसमें भी ऐसे हम डार्क कर देते हैं इसको एक लाइन छोड़ के इससे ऐसे फिल कर देंगे
इसे भी हमने ऐसे फिल कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को हम इधर से शेड उठा के मिक्स कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से एक लाइट एक डार्क कर सकते हो आप। ये इरेज करने के बाद इसको ब्रश से थोड़ा सा जो इरेजर के लेम्स हैं वो मिटा देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, इसका स्केल बढ़ाएंगे और इसके लीव्स वगैरह थोड़ा सा और डार्क करूँगा मैं।